students how are you i hope you all are doing good today we are starting a chapter which name is urban administration यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट रूरल एडमिनिस्ट्रेशन गाँव की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन उसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं देर इज़ अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन अ विलेज एंड अ सिटी अ सिटी स्प्रेड्स ओवर लार्ज एरिया सो इट इज़ मच लार्जर दैन अ विलेज गाँव और शहर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है गाँव छोटे से होते हैं शहर जो हैं वो बहुत बड़े होते हैं इट इज़ मोर डेंसली पॉपुलेटेड दैन द रूरल एरियाज दूसरा यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है

देर वो स्मॉल स्पेस अराउंड आसपास एक छोटी सी जगह होती है अरुण वॉज बैटिंग वेरी वेल अरुण बैटिंग कर रहा था नेक्स्ट ओवर वॉज बाउल्ड बाय रहीम एंड ही हैड बाउल्ड गुड ओवर एंड ही मैनेज टू गेट अरुण आउट देन प्रिया केम फॉर बैटिंग उसके बाद प्रिया आती है बैटिंग के लिए उसके आउट होने के बाद कविता बाउल्ड शॉर्ट बॉल एंड हॉप शी वुड हिट इट फोर एंड ईजी कैच और वो क्या सोचती है शायद ये कैच आउट हो जाएगी रैदर प्रिया हिट द बॉल सो हार्ड एंड सो हाई डेट स्ट्रीट लाइट ब्रोक उसके बजाय रिया क्या करती है प्रिया इतनी जोर से बॉल को हिट करती है कि जो स्ट्रीट लाइट है वो टूट जाती है प्रिया शाउट करती है ओ माई गॉड वट है आई डर्न ये मैंने क्या कर दिया अरुण at that मोमेंट रिमाइंडेड everyone of ऑफ agreement एग्रीमेंट बिटवीन players प्लेयर्स डैट वन हु ब्रेक्स street light will विल हैव टू for फॉर इट अब अरुण जो उनका एक फ्रेंड है वो याद दिलाता है खेलने से पहले ही हमारी बात हुई थी कि जो जिस चीज को तोड़ेगा स्ट्रीट लाइट जो तोड़ेगा उसी के लिए वही पे करेगा लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन मिस्टर श्रीवास्तव विंडो एंड हैड स्पेंट देअर पॉकेट मनी टू हैव इट रिप्लेस क्योंकि लास्ट वीक जब वो क्रिकेट खेल रहे थे तो किसी की विंडो उनसे टूट गई थी और उस खिड़की की रिपेयर के लिए उसने अपनी सारी पॉकेट मनी सब बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी खर्च कर दी थी बट इन दिस केस नो बडी न्यू टू होम टू पे और हु ऑन द स्ट्रीट लाइट लेकिन अब किसी को नहीं पता कि स्ट्रीट लाइट टूट गई है तो उसके लिए उसे किसको पे करना है हु चेंजिस दैम कौन उसको स्ट्रीट लाइट को चेंज करेगा प्रिया गोज़ टू अर होम एंड आस्क हर मदर अबाउट दिस हर मदर सेट दैट शी डिड नाट नो मोर अबाउट इट बट इट वॉज द म्यूनिपल कॉरपोरेशन ऑफ द सिटी दैट टुक केयर ऑफ द रिप्लेसिंग लाइट उसकी मदर क्या कहती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है हमारे शहर में

Corporation. Savita told him that she had. सीन सम डेज बैक द बिग पोस्टर्स दैट द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैड पुट ऑल ओवर द सिटी टू इंफॉर्म पीपल अबाउट मलेरिया सविता को याद आता है कि हाँ कुछ टाइम पहले मैंने देखा था कि ऐसे बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे थे लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए जो पोस्टर्स थे वो म्युनसिपल कॉरपोरेशन ने ही लगाए थे मिस्टर फिरोज वॉज क्वाइट इम्प्रेस बाई सविता ऑब्जरवेशन ही हर दैट शी वॉज राइट और मिस्टर फिरोज को बहुत अच्छा लगता है ये सुन के और वो क्या कहते हैं यस yes, बिल्कुल ठीक कह रही हो ही टोल्ड दैम दैट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग एपिडेमिक्स इन द सिटी और वो क्या बताते हैं कि म्युनसिपल कॉरपोरेशन ही रिस्पॉन्सिबल होती है शहर में कोई बीमारी तो नहीं फैल गई अगर कोई बीमारी फैल जाती है या उसको चेक करने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही रिस्पॉन्सिबल होती है the municipal corporation runs many schools hospitals and dispensaries and builds and maintains gardens he said a city delhi is a big city so it is called a municipal corporation or nagar nigam हमारा शहर जो है जैसे कि दिल्ली बहुत बड़ी सिटी है इसीलिए यहाँ की जो कॉरपोरेशन है उसको म्युनसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम कहते हैं वाइल इन स्मॉलर टाउन इट इज कोल्ड म्युनसिपल काउंसिल और नगर पालिका और जो छोटे टाउन होते हैं उसमें क्या कहते हैं म्युनसिपल काउंसिल या फिर नगर पालिका द वोड काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अब कौन कौन ऑफिसर्स इसमें अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं अरुण वॉज वेरी क्यूरियस टू नो हु डिसाइड द साइड्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्क एंड अ कम्युनिटी हॉल ही आस्क फिरोज अंकल अबाउट इट अब अरुण पूछता है कि अच्छा कहाँ पार्क बनाना है कहाँ कम्युनिटी हॉल बनाना है ये कौन डिसाइड करता है फिरोज टोल्ड हिम नो अरुण आई एम नोट इन दैट डिपार्टमेंट दैट टेक्स दीज डिसीजनस कि मैं उस डिपार्टमेंट में काम नहीं करता आई एम वर्किंग इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट सो आई जस्ट वर्क डोन पे स्लिप्स एंड अदर फाइनेंशियल मैटर्स कि मैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करता हूँ मैं सिर्फ फाइनेंशियल मैटर पर या सैलरी स्लिप्स पर ही काम करता हूँ

काउंसलर्स इलेक्ट कर दिए जाते हैं वहाँ के डेकोरम को मेंटेन करने के लिए ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाई अ ग्रुप ऑफ काउंसिलर्स दे फॉर्म कमेटीज टू डिसाइड एंड डिबेट इश्यूज एक कमेटी बनाते हैं वो कोई भी डिसीजन लेने के लिए टेक एग्जाम्पल ऑफ अर ड्रेन दैट इज चोक्ड एंड नीड्स क्लीनिंगड टू है इवन एन ओल्ड बस स्टैंड दैट नीड्स टू बी रिपेयर जैसे कि कोई भी इशू है लाइक like कोई ओल्ड बस स्टैंड है उसको रिपेयर करना है कोई मार्केट प्लेस है वहाँ से गार्बेज हटवाना है या कोई चौक ड्रेन है उसको क्लीन कराना है ये सारे मुद्दे जो है ग्रुप ऑफ काउंसिलर्स कमेटी जो है वो डिसाइड करते हैं दिस कमेटी टेक्स डिसीजन ऑन द वर्क टू बी डन तो ये कमेटी जो है ये डिसाइड करती है कि आगे क्या करना है ओके यहाँ आपको एक ऑफिस दिखाया गया है ये म्यूनिस्िपल कॉरपोरेशन का एक एग्जाम्पल दिया गया है किस टाइप के ऑफिस होते हैं अगर किसी को कोई भी problem होती है, तो वो अपने ward के पास जाते हैं, क्योंकि वार्ड काउंसिलर को कौन चूज करते हैं हम लोग ही चूज करते हैं बाई वोटिंग फॉर एग्जाम्पल poles एंड इलेक्ट्रिक पोल्स आर अप्रोटेड storm. मान लो कोई तूफान में कोई इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो उखड़ गए हैं या पेड़ हैं वो गिर गए हैं तो किसके पास जाएंगे वो अपने लोकल काउंसिलर के पास जाएंगे ताकि उनके वजह से जो बिजली चली गई है इलेक्ट्रिसिटी चली गई है वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करें और जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करें द पॉलिसी decisions and matters are decided by the councillors committee and the councillors but these decisions are implemented by the administrative staff and the commissioner the commissioner and his staff are appointed by the state government while councillors are elected the commissioner is the head of many departments like education water sanitation health housing engineering and others arun asked mr firoz but i am interested in knowing हाउ डज द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्पेंड इट मनी अब अरुण क्या कहते हैं अब मुझे ये जानना है कि इतना सारा काम म्युनसिपल कॉरपोरेशन करती है उसके पास इतना पैसा कहाँ से आता है और वो इस मनी को कैसे स्पेंड करती है नाउ ये टर्म आपकी क्लियर होगी बजट में मिस्टर फिरोज सैट दैट ऑल ऑफ द वार्ड काउंसिलर्स मीड टू मेक अ बजट एंड द मनी स्पेंड अकॉर्डिंग टू इट कि जो पूरी कमेटी है वार्ड काउंसिलर्स हैं वो सारे बैठ के एक बजट बनाते हैं और उसी अकॉर्डिंग मनी को स्पेंड करते हैं एवरी वार्ड काउंसिलर पुट देयर डिमांड बिफोर द बिफोर द इंटायर काउंसिल और सब लोग सारे काउंसिलर अपनी डिमांड बताते हैं दैन दोज डिस आर इम्प्लीमेंटेड बाई द कमिश्नर एंड हिज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मिस्टर फिरोज वॉज वेरी प्लीज टू टॉक विद चिल्ड्रन बिकॉज ऑल ऑफ द चिल्ड्रेन वर लिसनिंग एप्टली और फिरोज को मिस्टर फ़िरोज़ को ये बातें बताने में बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि सारे बच्चे उनकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे ना सोर्सेज ऑफ फंड्स इतनी सारी सर्विसेज के लिए फंड कहाँ से आता है द म्युनसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट ऑन हाउसेज शॉप्स एंड ऑफिस शॉप ऑफिस और घरों पे जो टैक्स लगता है वो इकट्ठा करती है म्यूनिसपल कॉरपोरेशन एंड स्क्वेंजिंग टैक्स फॉर क्लीनिंग ऑफ स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स कोई भी स्ट्रीट है कोई भी ड्रेन है उसको क्लीन करने के लिए टैक्स लेती हैं एंड द एंटरटेनमेंट टैक्स चार्ज ऑन सिनेमा टिकट्स जो हम सिनेमा हॉल में जाके मूवी देखते हैं वहां पर टिकट के साथ कुछ टैक्स भी लगता है उससे टैक्स होता है टोल टैक्स एंड ऑक्ट्रॉय ड्यूटी चार्ज ऑन गुड्स कमिंग इन द सिटी फॉर सेल उसके अलावा रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ डेथ एंड लाइसेंस फीस चार्ज फ्रॉम कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एंड रेंटल इनकम फ्रॉम ऑफिस एंड शॉप्स ओन्ड बाई द कॉरपोरेशन

फिरोज अंकल वेयर डिपल कॉर्पोरेशन पुट दफ्ट इट कलेक्ट्रामिपल कॉरपोरेशन जो इतना सारा गार्बेज होम और ऑफिस या पब्लिक प्लेसेस से इकट्ठा करती हैं वो आगे उसका क्या करती है दूर स्टिल इंजॉय देअर स्नैक्स मिस्टर फिरोज सेट यू है ब्रिलियंट क्वेश्चन प्रिया अब मिस्टर फिरोज कहते हैं प्रिया तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है अर्लियर गार्बेज वॉज डम्प इन डीप पिट्स आउटसाइड दिटी लिमिट पहले क्या किया जाता था कि जो गार्बेज है उसको सिटी के बाहर डम्प किया जाता था बट नाउ इट इज ईद इंसेंट्रेटेड फैड इन टू बायोग प्लांट सप्लायड टू समरिया अब की क्या किया जाता है बायोगैस प्लांट लगा दी जाती है ही फर्दर सेट दैट द म्युनसिपल स्टाफ कैन नोट डील विद इट सिंगल हैंडेड इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वो क्या कहते हैं कि म्युनसिपल स्टाफ अकेले ये कुछ नहीं कर पाते हमारी भी ड्यूटी बनती है we should not throw the garbage here and there garbage you must have seen garbage lying scattered all over the street if it continued to be thrown in such a way it would attract all kind of insects flies and animals like dogs rats and others such garbage also gives out a very foul smell polluting the air and water around area. देखा होगा तुमने कि गलियों में इधर उधर कचरा जो है गार्बेज जो है वो फेंक दिया जाता है अब इस गार्बेज से क्या होता है बहुत सारे मच्छर मक्खी वहाँ आ जाते हैं डोग घूमते रहते हैं रेट्स हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती हैं हमारी जो एयर है वो डर्टी हो जाती है हमारे आस पास पास जो पानी है वो गंदा हो जाता है दिस मेक्स पीपल इल इससे क्या हो जाएंगे हम लोग बीमार हो जाएंगे ही सेट दैट एट अ टाइम थिंग्स बिकम सो बैड दैट द पेरेंट्स हैिल्ड्रन प्लेंग द स्ट्रीट बिकॉज दे वुड गेट सिक आफ्टर इनहेलिंग द पोल्यूटेड एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम अगर ऐसा ही चलता रहा तो पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर क्रिकेट भी नहीं खेलने देंगे क्योंकि वो ऐसी हवा में अगर क्रिकेट खेलेंगे तो बीमार हो जाएंगे मोर टू नो the larger the house the more the tax jitna bada house tax hai now next is a community protest mr Firoz continues an individual cannot make the government act but the community can do wonders the women were very unhappy about the situations as several children in the colony had fallen ill कि अकेले गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी लेकिन एक कम्युनिटी बहुत कुछ कर सकती है जैसे कि एक सोसाइटी की वीमेन है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनके बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं द रेजिडेंस थोट वट दे शुड डू अब वो रहने वाले सोचते हैं वहाँ के कि हमें क्या करना चाहिए एक विमला जो है सजेशन देती है कि दे शुड गो टू द वोट काउंसिलर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट एड सिंस दे हैव इलेक्टेड हिम शी गैदर्ड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वीमन एंड वेन टू हिज ऑफिस दे बिगेन शाउटिंग स्लोगन्स इन फ्रंट ऑफ इज ऑफिस ही केम आउट एंड आस्क दम अबाउट शाउटिंग वो क्या करते हैं एक काउंसिलर के बाहर वार्ड काउंसिलर के बाहर जाते हैं घर के बाहर और नारे लगाते हैं ठीक है और फिर वो क्या करते हैं ऑफिस से बाहर आते हैं और पूछता है कि लोगों को क्यों शाउट कर रहे हो विमला डिस्क्राइब्ड हिम अबाउट द सिचुएशन ऑफ लोकेलिटी विमला अब पूरा सीनेरियो बताती है कि उनकी कॉलोनी में क्या हो रहा है ही प्रोमिस टू गो विद दैम टू मीट म्युनसिपल कमिश्नर और वो क्या कहते हैं वार्ड काउंसिलर कि वो उनके साथ म्युनसिपल कमिश्नर से मिलने चलेंगे ही आस्क विमला टू गेट अ पटिशन साइन बाई ओल द एडल्टर लिविंग इन द ए एरिया और विमला को क्या कहते हैं कि एक पटिशन साइन कराओ जितने भी एडल्ट मेम्बर्स हैं आपके एरिया में रहते हैं उन सब से एक पटिशन साइन कराओ

क्या हमारे लिए शॉर्टेज ऑफ ट्रक्स है नाउ अफसल किप्स दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लोस्ट फॉर वर्ड्स मिस्टर फिरोज सेट यस He said that he would take care of it immediately and Vimla threatened that if it was not done in two days, a large group of women would protest in front of the corporation office. So, did the street get clean? asked Savita. It was not until another larger and noisy protest was made again by the women of this area. Vimla kyakati then do din me nahi wato group. द सैनिटेशन सर्विस बैटर एंड कंटीन्यूड ऑन रेगुलर बेसिस उसके बाद उसकी इस धमकी सेरिया में अच्छी हो जाती हैं और रेगुलर बेसिस पर हो जाती हैं दे कंटीन्यूड विजिलस अंडर द लीडरशिप ऑफ विमला हेल्प टू रेज अवेयरनेस एमंग रेजिडेंट्स प्रिया सेड

subcontracting is the hiring of private contractors this means that the same work was earlier done by the government employee like in private companies nowadays garbage collection is a difficult and dangerous job because dangerous waste like hospitals and industrial waste get mixed this pose great डेंजर टू दीज वर्कर अब जो है गार्बेज कलेक्शन का काम ये एक डेंजरस वर्क भी हो गया है क्योंकि हॉस्पिटल और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है दे फोर मॉडर्न मैथड्स ऑफ कलेक्टिंग गार्बेज हैव टू बी यूज अदरवाइज द वर्कर्स विल एक्सपोज टू डेंजरस डिजीज और इंजर themselves while doing this work. अब जो है कुछ modern methods, modern technique introduce करनी होगी garbage collect करने के लिए नहीं तो जो ये workers हैं ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे और इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा More to know द स्लम ड्वेलर्स डू नोट पे टैक्सेस टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो लोग स्लम एरियाज़ में रहते हैं यानी कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं उनको कोई भी टैक्स नहीं पे करना होता द स्टोरी ऑफ विमला दे आर वर्ड ऑल्सो फुल ऑफ प्रेज ऑफ सेल्फ सर्विस ऑफ विमला द चिल्ड्रन गोटअप एंड थैंक मिस्टर फिरोज फॉर आंसरिंग देर क्वेश्चन एंड ऑफरिंग कोल्ड ड्रिंक्स एंड स्नैक्स एंड वर्क बैक डाउन द स्ट्रीट टुगेदर इस तरीके से पूरा म्यूनसिपल कॉरपोरेन का काम समझ के मिस्टर फिरोज से बच्चे उनको थैंक यू कहते हैं हर एक चीज के लिए कि उन्होंने इतने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए उन्हें कॉल्ड ड्रिंक और स्नै भी ऑफर किए और अपना टाइम भी दिया Now here is a story. Here is a scene of a Surat plague in 1994. Surat, a dirty city, thi in 1994. The problem began with dirt and rotten garbage. और ये problem कैसे ख़त्म हुई लोग क्या करते थे कि garbage को एक ही जगह पर इकट्ठा कर देते थे और ऑल्सो होटल्स एंड रेस्टोरेंट डम दे गार्बेज इन द सेम वे इसी तरीके से घर के जो लोग हैं वो भी अपना गार्बेज को स्ट्रीट और ड्रेन में फेंक देते थे और होटल और रेस्टोरेंट वाले भी अपने गार्बेज को ऐसे ही फेंक देते थे खुले में इट मेड वेरी डिफिकल्ट फॉर स्वीपर टू कलेक्ट एंड ट्रांसफर द गार्बेज इन टू सेलेक्टेड डम और स्वीपर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था उस गार्बेज कलेक्शन के लिए

और इतनी ज़्यादा इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड हो गया था कि उस टाइम कौन सी बीमारी फैल गई थी प्लेग बीमारी हो गई थी एंड द प्लेग स्प्रेड्स थ्रू द एयर दिस वॉज अ बैड पीरियड फॉर द पीपल ऑफ सूरत सेवरल पीपल ऑस देयर लाइव एंड नियरली थर्टी लैक डेजर्टेड द टाउन इट टू बी अवे फ्रॉम द डेडली डिजीज और बहुत सारे लोग सूरत को ही छोड़ कर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए थे ताकि वो अपनी जान बचा सकें और बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी द म्युनसिपल काउंसिल कम्प्लीटली क्लीनड अप दिटी इन द स्कर्स ऑफ प्लेग नाउ सूरत बिकम्स द सेकेंड क्लीननेस सिटी आफ्टर चंडीगढ़ और उसके बाद म्युनसिपल कॉरपोरेशन ने उस पर ध्यान दिया और सूरत को क्लीन किया वहाँ से प्लेट को हटाया और अब जो है सूरत सबसे नंबर टू पर है सबसे पहले नंबर पर है चंडीगढ़ जो साफ सिटीज़ में काउंट होती है क्लीन सिटी ऑफ इंडिया और सेकेंड नंबर पर है सूरत तो इसी तरीके से हमारी जो स्टेट हैं वो इतनी डर्टी ना हो जाए कि वहाँ पर एपिडेमिक्स फैल जाए लोग बीमार हो जाए हमें भी क्या करना चाहिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए और गार्बेज जो है वो सही जगह पर डस्टबिन में ही फेंकने चाहिए ओके नाउ मोर पॉइंट्स टू लर्न म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टेक्स केयर ऑफ द स्ट्रीट लाइट्स गार्बेज कलेक्शन एंड वाटर सप्लाई The commissioner and his staff are appointed by the state government. The municipal corporation gets funds from taxes, water and electricity charges, rental income, and toll tax. Garbage collection today is also a difficult and dangerous job. an elected civic body of a big city that runs the civic amenities street cricket is really bad risky and dangerous the municipal corporation looks after big towns they are also known as mahanagarnigam the members of the committee elect a mayor and the state government can dissolve any municipality or a corporation if its working is not satisfactory some seats are reserved for the scheduled caste and scheduled tribes any person who wants to contest election for membership should not be less than 25 years of age